समयक जो है विचार जो है और समयक जो है निर्णय जो होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं। समय से क्या फैसला लिया और समय पर विचार आया कि नहीं। आज से सिविल सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा भी 9:30 बजे शुरू होगी, यानी जब आपकी क्लास ओवर हो रही होगी, ओवर हो जाएगी तो सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा का निबंध का पेपर बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे होंगे। 3 घंटे की यह परीक्षा होती है, महज 3 घंटे। भाई पूरी जिंदगी में अगर आप पूरे टोटलिटी में देखें, पूरे टोटलिटी में, तो 2 भाषा का पेपर देख लीजिए, लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश, 3-3 घंटे कितने हुए, 6 घंटे। आज जो एसए का पेपर है उसको भी उसमें प्लस करिए कितने हो गए, 9 घंटे, ये 3 हो गए। और 4 पेपर जनरल स्टडीज के, तो जो 4 पेपर जनरल स्टडीज के हैं 3×4=12, अब 12 में 9 जोड़ दीजिए 21 घंटे। और ऑप्शनल का 2 प्रश्न पत्र, 1 ऑप्शनल का, 6 घंटे और 21×6 कितने हुए, 27। कुल मिला के 9 पेपर होते हैं, 9 × 3=27। 27 घंटा जो कि आज 15 सितंबर से 24 सितंबर के बीच, ऑप्शनल का 24 सितंबर को एग्जाम है, 24 सितंबर के बीच में इस 27 घंटे के एग्जाम में यह तय हो जाएगा कि कौन आईएएस बनेगा और कौन सड़क पर रहेगा। तो समयक विचार, समयक दृष्टिकोण, समयक निर्णय, समय के साथ हो। आज 15 सितंबर को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसमें पहला पेपर आज निबंध है। अभी ठीक 12:30 बजे का बाहर निकलेंगे बच्चे और तुरंत फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे निबंध का पेपर। तो मैं भी देख लूंगा कि भी क्या पूछा है। तो जिन बच्चों में निबंध का दृष्टिकोण सही है, लेखन सही है, प्रस्तुति सही है और समय से तैयारी किए हैं, इतना ही नहीं आज के इस 3 घंटे के दरमियान सही से प्रस्तुति का निर्वहन भी किए होंगे, वही चयन के भागीदार होंगे। माना आपका विचार बहुत उम्दा है, माना आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपकी प्रस्तुति भी अच्छी है, आपका सोच विचार जो भी संदर्भ पूरा इंटेग्रल जो अप्रोच है आपका करेक्ट है, लेकिन 3 घंटे में किया गया प्रदर्शन यह तय करेगा कि आप चयन के लायक हैं या नहीं हैं।